साथियों नमस्कार। हनुमानगढ़ किसान सभा जिला अध्यक्ष भगवान पुनिया पूर्व विधायक पादरा, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि कल बादरा में किसान सभा का प्रदर्शन है। मैं आप ज्यादा से ज्यादा से क्या बोल सकते, जो हमने मुख्य मांग रखी है फसल बीमा क्लेम, जो पिछले 2022-23 का और कुछ पॉलिसियों का 2020 रबी का बकाया, कुछ पटवार मंडलों का 2021 खरीद का भी बकाया, इन सब मुद्दों पर कल हमने प्रदर्शन रखा है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले जो आक्षेप थे वो हट चुके थे, 2020 की पॉलिसियां जो रिजेक्ट कर दी थी मर्ची सर के फ्रॉड के बाद, उनको वापिस बहाल भी करवा दिया था, उसमें 2200 पॉलिसियां बहाल भी हो गई थी, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। हम थोड़े दिन पहले कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिलके भी आए थे और उनको ये कहा था कि आप हमारा बीमा का भुगतान करवाएं, उन्होंने आश्वस्त भी करा था। उसके बाद कुछ पॉलिसियों का बीमा आया भी है, लेकिन बहुत बड़ा इश्यू है अभी तक हनुमानगढ़ जिले के करोड़ों रुपए बकाया है, पादरा तहसील के बीमा क्लेम बकाया है। कल तमाम साथियों से तो ये चाहते हैं कि फसल बीमा क्लेम आए और बीमा पर बात वापिस मजबूती से हो, और सब लोग कल आंदोलन में आएंगे। मेरा आपसे निवेदन, हाँ गर्मी है, बड़ी भारी गर्मी है, पर सर्दी गर्मी आदि तूफान क्या मायने रखते हैं जीने में जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि बीमा आए, बीमा पर बात मजबूती से आगे बढ़े, आप ये चाहते हैं कि ये जो बिजली पानी का संकट आया आज पूरे राजस्थान में और भादरा में त्राईमाम मचा हुआ है, सरकार इस खुमार में है कि अब तो 4.5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तब तक जनता जाए भाड़ में जाए। हम जनता को कहना चाहते हैं कि हम भाड़ में नहीं जाएंगे, हम SDM के दफ्तर पर जाएंगे, हम कलेक्ट्री पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की न सिर्फ आलोचना करेंगे बल्कि हम उनसे सवाल करेंगे कि आपको व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेंगी। दोस्तों सारे मुद्दों पर कल बात होगी, लेकिन जो CHC उपजिला स्तर अभी शुरू नहीं हुआ, जिन खानों के टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई थी विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद भी आज वो खाने वापस शुरू नहीं हुए, मनरेगा में भारी गड़बड़ी है, रोटेट तरीके से मैट नहीं लगाए जाते, राजनीतिक रंजिश से मैट लगाए और हटाए जा रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर के हम कल SDM के दफ्तर पर जाएंगे, उससे पहले किसान भवन इकट्ठे होंगे। तो मेरा सारे साथियों से निवेदन है कि आप गांव-गांव से 10:30 बजे किसान भवन पहुंचे, उसके बाद हम SDM दफ्तर की तरफ कूच करेंगे और वहां पर ही जनसभा करेंगे। साथियों जिंदा नस्ले वो होती है जो हक के लिए हमेशा लड़ती। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग कल इकट्ठे होंगे किसान सभा के बैनर पर, जो भी किसान साथी किसान की मांग को लेकर के आना चाहे सब साथी आए। इसके बाद अगले प्रोग्राम का डिक्लेरेशन भी करेंगे, अगला प्रोग्राम क्या होगा उसकी घोषणा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या आप पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज सारे साथियों तक पहुंचाने का काम करें, ये नहीं कि आपने सुन लिया ठीक है, आज कोई कह रहा है बीमा दिलवाओ, परसों कोई कह रहा है बीमा दिलवाओ, इससे बेहतर है सब कल इकट्ठा होकर ये कहें कि हमें फसल बीमा क्लेम चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। हम सब कल इकट्ठा होकर के कहेंगे एक साथ एक सुर में, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। थैंक यू।